दोस्तों Xiaomi ने ग्लोबल तौर पे अपना नया स्मार्टफोन Mi 10S 5G को लॉन्च किया है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ मार्केट में उतारा गया है। सबसे पहले Xiaomi Mi 10S 5G की खासियत की बात करें तो इस फोन में 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा सेटअप को सपोर्ट करता है, जिसके साथ प्रोसेसिंग के लिए इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। साथ में 90 हर्ट्ज वाली OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों आइए जानते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में, साथ में ये भी जानेंगे कि इस फोन को इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले Mi 10S 5G की फीचर और स्पेसिफिकेशन की बात करें, इस फोन में 6.67 इंच की FHD प्लस का एक कर्व AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही इस फोन की डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे काम करता है। इसके अलावा डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट, 1120 nits तक की ब्राइटनेस और 180 हर्ट्ज तक की टच सैंपलिंग फीचर से लेस है। साथ ही Xiaomi Mi 10S 5G को Android 11 OS पे लॉन्च किया है, जो कि MIUI 11 पे काम करता है। इसी तरह प्रोसेसिंग के लिए इस फोन में ओक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि क्वालकॉम का ये चिपसेट 5G सपोर्ट से लेस है और ग्राफिक्स के लिए Adreno 650 GPU के साथ देखने को मिलता है। साथ में LPDDR5 RAM और UFS 3.0 स्टोरेज को सपोर्ट करता है, जो कि कुल मिलाकर इस फोन में आपको काफी अच्छी फ्लेक्सी लेवल की परफॉर्मेंस मिलने वाली है। दोस्तों अब बात करें कैमरे सेटअप को लेकर, तो Mi 10S 5G के बैक में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। यहाँ पे 1.69 अपर्चर वाला 108 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा, जो कि OIS जैसे फीचर से लेस है। साथ में 2.4 अपर्चर के साथ 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, इसके अलावा 2.4 अपर्चर के साथ 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और साथ में 2 मेगापिक्सल के एक मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। जबकि अगर बात करें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की, तो इस फोन में 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो इस फोन में 4G 5G ब्लूटूथ USB टाइप सी के पोर्ट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को सपोर्ट करता है। वहीं अगर बात करें बैटरी और चार्जिंग की, तो इस फोन में 4780 mAh की बैटरी दी गई है, जिसमें 33 वाट की वायर्ड चार्जिंग, साथ में 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग और 10 वाट की रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब बात करें प्राइस को लेकर, तो जैसा कि Mi 10S 5G को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, और इसकी प्राइस तकरीबन 37,000 रुपये रखी गई है। इसी तरह 8GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन की बात करें, तो इस फोन की प्राइस 39,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलता है। जबकि 12GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन की बात करें, तो इस फोन की प्राइस 42,000 रुपये के आसपास में लॉन्च किया गया है। दोस्तों कुल मिला के देखिए तो प्राइस के हिसाब से इस फोन में काफी अच्छी फीचर का इस्तेमाल किया गया है। अब जैसे कि इस फोन में काफी अच्छी फ्लेक्सी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया गया है। अब बात करें अगर इंडिया लॉन्च डेट को लेकर, तो कंपनी ने इस फोन की इंडिया लॉन्च को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी है। वैसे अगर एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें, तो इसे अप्रैल तक के महीने में देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप इस फोन को लेकर कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके जो बताना, साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।